स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज के पार्ट 54 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, इसमें हम लोग कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे कितने तरह की होती हैं। कम्युनिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में, हम कह सकते हैं कि कम्युनिटीज दो तरह की होती हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं मेजर कम्युनिटी। नाउ मेजर कम्युनिटी क्या होती है? मेजर कम्युनिटी स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट है, सबसे छोटी इकोलॉजिकल यूनिट है जो अपने आप को सस्टेन कर सकती है, विच इज एबल टू सस्टेन सेल्फ, खुद का ध्यान रख सकती है, खुद को सस्टेन कर सकती है, जिंदा रख सकती है, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद रेगुलेटिंग है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। अगर ये खुद ही करती है तो क्या चीज है जो इसको फंक्शन करके फंक्शनिंग इसकी प्रॉपर चला के रखती है, वो है, तो ये किस पे डिपेंडेंट होती है? सन की एनर्जी पे, जो बाहर से सन की एनर्जी है उस पे अपने आप को सस्टेन करके रखती है। ठीक है, दीज कम्युनिटीज आर यूजुअली रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट, अ ग्रासलैंड और लेक। ये जो कम्युनिटीज होती हैं, मेजर कम्युनिटीज, ये दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती। दे आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कम्युनिटीज, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होती, दूसरी कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे एक पॉन्ड है वो सेल्फ सस्टेनेबल है, फॉरेस्ट है खुद से अपने आप को कैरी चला सकता है, ग्रासलैंड है, लेक है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेजर कम्युनिटी जो खुद को सस्टेन कर सकती हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होती हैं। ठीक है, नाउ माइनर कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। माइनर कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? ये स्मॉलर इकोलॉजिकल यूनिट होती हैं दैट आर नॉट इंडिविजुअली सेल्फ सस्टेनिंग। ये खुद से सेल्फ सस्टेन नहीं होती, खुद को सस्टेन नहीं कर सकती खुद से, मतलब इन्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये रिलाई करती हैं इंटरेक्शन पे। यहाँ पे इनके केस में इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, मेजर कम्युनिटी वाली बात नहीं होती कि अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो इंटरेक्शन होता है दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। ये क्या बनाती है? मेजर कम्युनिटीज फॉर्म करती हैं। ये छोटी छोटी मिला के ही एक क्या होता है, बाद में माइनर कम्युनिटीज मिला के मेजर कम्युनिटीज बनाती हैं। नाउ एक एग्जांपल है, कोई ऑर्गेनिज्म जो एक डेड वुड, एकदम खराब वुड पड़ी है उस पर कोई ऑर्गेनिज्म उस पर रह रहा है, तो वो एक एग्जांपल होगा माइनर कम्युनिटी का, लेकिन अकेले नहीं काम चलेगा उनका, दे नीड टू इंटरैक्ट। ठीक है, तो ये थी दो टाइप की कम्युनिटी जिनको हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज मेजर कम्युनिटी एंड सेकेंड इज माइनर कम्युनिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। उसके अलावा इकोलॉजी सीरीज में आज तक जो भी कवर हुआ है वो देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वहाँ आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भी आज तक इकोलॉजी में कवर हुए हैं। 11th 12th की बायोलॉजी या इकोलॉजी वगैरह को देखने के लिए आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए, क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।